हाय व्यूअर्स, वेलकम टू साउ टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपको जियो 54 राउटर का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, जिसका मॉडल नंबर है JMR 1140 है। आप स्क्रीन में उसका फोटो देख सकते हैं। तो ये अपग्रेड वाला जियो 5 है और इसमें आपको काफ़ी कुछ फीचर्स मिलता है। जैसे एक्स्ट्रा एडवांटेज उसका ये है कि आप इसमें 31 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और इसका बैटरी जो है वो 2600 mAh का है। तो इसमें आपको 8 से 9 घंटा तक बैकअप भी मिल जाता है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं उसका अनबॉक्सिंग। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में एक बेल का आइकन है, वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो ये है हमारा जियो 5 का बॉक्स पैक और यहाँ पे उसका डिटेल्स वगैरह मेंशन किया गया है। तो ये साइड में कुछ मेंशन किया गया है जो कि क्रिएट योर ओन हॉटस्पॉट, तो आप इसको हॉटस्पॉट टाइप का यूज करेंगे। और यहाँ पे 31 डिवाइस आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 2600 mAh का बैटरी है और यहाँ पे सपोर्ट माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 32 GB, तो आप यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड 32 GB तक लगा सकते हैं। और यहाँ पे वॉइस कॉल वगैरह या वीडियो कॉल वगैरह भी आप कोई भी स्मार्टफोन से कर सकते हैं। और यहाँ पे वायरलेस शेयरिंग थ्रू एसडी कार्ड, तो आप एसडी कार्ड के थ्रू में वायरलेसली आप इसका डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका डिटेल्स कुछ मेंशन किया गया है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जियो 5 का राउटर है, इसका मॉडल नंबर जो है वो JMR 1140 और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का है। और यहाँ पे उसका SSID का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे नेट कंटेंट जो रहता है इसके अंदर, यहाँ पे राउटर एक आपको मिलता है, एक USB अडाप्टर मिलता है और एक USB केबल मिलता है, एक बैटरी मिलता है और यहाँ पे एक आपको OSG मिलता है और एक वारंटी कार्ड मिलता है। और यहाँ पे उसका MAC ID वगैरह डिटेल्स मेंशन किया गया है और यहाँ पे इसका IMEI नंबर वगैरह भी डिटेल्स दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। तो सबसे ऊपर है हमारा मेन कंटेंट। और उसके साथ साथ और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे पेपर वगैरह कुछ है। और थर्ड कंटेंट में यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक चार्जर भी मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक बैटरी भी आपको मिलता है। और फाइनल कंटेंट जो है आपको एक USB केबल मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये USB 2 माइक्रो USB है और यहाँ पे एक चार्जर मिलता है उसके साथ, जो कि 5V 1000 Ah का चार्जर है, जिसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5V 1000 Ah का चार्जर मिलता है आपको यहाँ पे, जो कि मेड इन चाइना है। और उसके बाद यहाँ पे हम बैटरी देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे आप बैटरी का मॉडल नंबर वगैरह डिटेल्स मेंशन किया गया है और ये जो बैटरी है ये 3.8V 2600 mAh का बैटरी है। और ये है हमारा मेन कंटेंट। तो यहाँ पे ये ग्लॉसी फिनिश का है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएगा अगर कुछ भी लग जाता है डिवाइस में। जैसे मैं यहाँ पे देखिए स्क्रैच करता हूँ तो भी यहाँ पे स्क्रैच वगैरह नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं उसका चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे 2 फिजिकल बटन है और यहाँ पे उसका जियो का ब्रांडिंग है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक लगाया गया है उसके ऊपर पावर ऑन ऑफ, लॉन्ग प्रेस करने से पावर ऑन ऑफ होगा और वेकअप के लिए शॉर्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है जियो 4G वॉइस जो एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाता है ये। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जियो 5 का जो पावर बटन है उसको स्लाइडली प्रेस करने से अगर डिवाइस स्लीप मोड में है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले बैटरी इंसर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसका बैटरी पैनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंबल दिया गया है, मीन्स आपको यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर जाके बैटरी यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके बैटरी को लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ से उसका बैटरी का पैनल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका बैटरी पैनल ओपन हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसके बैटरी पैनल के अंदर यहाँ पे एसडी कार्ड लगता है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है एसडी कार्ड है यहाँ पे, माइक्रो एसडी कार्ड। और यहाँ पे सिम लगता है
और यहाँ पे उसका डिटेल्स वगैरह मेंशन किया है, जैसे SSID जो आपको शो करेगा और उसका पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर उसको आप लॉगिन करना चाहते हैं सिस्टम से तो ये URL से ये ओपन होता है, और यहाँ पे उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ही मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर ये डिवाइस आप खरीदे हैं फर्स्ट टाइम, अगर बैटरी इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह मेंशन किया गया है उसका एक आपका मोबाइल में एक फोटो खींच लीजिए, क्योंकि ये सब चीज आपको बाद में जरूरत पड़ेगा, तब आपको बार बार आपका बैटरी को उठाना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा, इसीलिए इसका एक फोटो आप रख लीजिए आपका मोबाइल में, तो आपके लिए वो फ्यूचर में काम आएगा। और यहाँ पे मैं उसके बाद बैटरी को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद आपको मार्क करना है ये जो साइड है और यहाँ पे रहेगा, और सिंपल आप इसको ऐसे लगा के चारों तरफ से प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे जो बैटरी का कवर है ये परफेक्टली फिट हो गया। तो ये है हमारा वेट मशीन, अभी हम डिवाइस का वेट मेजर कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 94 ग्राम का है विथ बैटरी, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, तो ये प्लास्टिक को हटा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का चारों लाइट है, यहाँ पे एक पावर लाइट है, यहाँ पे वाईफाई का सिंबल है, यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ पे उसका सिग्नल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ मीन्स यहाँ पे देखिए रेड में ये ब्लिंक हो रहा है, मीन्स यहाँ पे नेटवर्क शॉर्ट हो रहा है, नेटवर्क आ जाने के बाद ये ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पे वाईफाई का जो सिंबल है, ये वाईफाई का सिंबल अगर एक डिवाइस कनेक्ट हो गया तो ये भी ग्रीन हो जाता है। तो मैं अभी मोबाइल में इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल में हम सर्च करते हैं वाईफाई में, तो देखिए यहाँ पे उसका SSID जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड जो दिया गया था उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया, तो अभी हम फिर से एक बार इसको प्रेस करते हैं, तो देखिए ये ग्रीन हो गया, अभी मीन्स एक डिवाइस इसमें कनेक्टेड हो गया, और यहाँ पे ये सिग्नल का सर्च कर रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिम नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको अगर हम चार्जिंग में लगाते हैं तो डिवाइस में डिस्प्ले में कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे चार्जर को पावर में लगा देता हूँ, और यहाँ पे अगर हम डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो देखिए फर्स्ट तो ये चारों लाइट ऐसे ब्लिंक होता है, तो लास्ट में पावर का जो सिंबल है वो ब्लिंक होता रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चार्जिंग के टाइम में ये लाइट ओनली ब्लिंक होता है, पहले सभी लाइट ऑन हो जाता है, उसके बाद सभी ऑफ होने के बाद ये जो पावर का सिंबल है ये ब्लिंक होता है। तो मैं रिव्यू वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये डिवाइस कैसे काम करता है, और यहाँ पे जो WPS बटन दिया गया है इसका काम क्या है, और बाकी हम 3-4 डिवाइस में कनेक्ट करेंगे और इसका परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए, साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।